ये देखे माशाल्लाह यहाँ ये सारे बकरे ही बकरे हैं। मेरी जान ओए मोहम्मद ये सब क्या है? एक लाख बीस हजार ये देखे मोहम्मद पसंद है लेना है मोहम्मद ये चीजा बेचो आइएगा। इसका कितना रेट है? 80,000। 80,000 ओए गाल तो सुनी नहीं होती है ना जाने फायदा ने दोनों बकरों के कान पकड़ लिए नहीं जानते चलो गुजरो फायदा के साथ वो भी कैटवॉक कर रहे हैं फायदा ने पर ता हां तू घूमेंगी तो उन्होंने घूमना ना तू घूम के इधर ऐसे ओए चले हाँ फायदा ने कैटवॉक की अच्छी खासी लोगों के साथ वो तो चला गया कैसा लगा मामा ये इधर आओ ये पकड़ो दोबारा लेके आना वो मम्मी बैठी हुई है इधर 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 एक मिनट इसकी शर्ट सही आ जाओ इसके साथ आओ इसको लेके यार बड़ा टीट हाँ ना मैं नहीं तुरना ये नहीं चलता थोड़ा जो जोर ला ना फिर चलेगा आ जाओ मोहम्मद आप भी मैं आप साइड पे हूँ मोहम्मद को चलो आ जाओ लेके मतलब पकड़ दो इसको गंदे मोहम्मद इधर आप करो इधर इधर डालो इसको बच्ची डालो बच्ची भी डालो बच्ची डालो बबन इसको जफ्फी भी डालो हाय हाय वो देखो चलो छोड़ दो कान उसका चला गया पकड़ो पकड़ो मोहम्मद चला गया भागो भागो पकड़ो पकड़ो भागो भागो एक तो तेन बड़ा डर लगता है चलो 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 ना फायदा तेन मारन चल शुरू हो ओए किन्नी अगे जा रही है किसी ने मारे तुम थक गई हो मोहम्मद मजा आया आपको भी चले उठे लड़पड़े फायदा उधर खड़ी थी नसी अगे लग के ये देखो ये देखे ये खाना खाने जा रहे हैं सारे हाय 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 माशाल्लाह ये जा रहे हैं सारे खाना खाने भी किस्मत में अल्लाह बहुत कुर्बानी कबूल करे हाँ चलो चलाओ अपनी रेडी चलो काम दे आजो 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 मूसा वेलकम है आपका तुम्हें ट्रॉली नहीं चलानी आती वहाँ साइड पे हो जाओ आप चलो बस उठाओ इसको बाहर निकालो आज हम आंदा मैं नहीं निकलो आज हम कड़ी रेडी च बाल लिया आज अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ मी फायज़ा होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे आबाद होंगे खैर आफियत से होंगे आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखा आज मैं धूप सेक रही हूँ इतनी गर्मी में धूप सेकने का भी अपना ही मज़ा आता है। दरअसल मैं अम्मी के साथ आई हूँ वॉक पे अम्मी डेली मेरे साथ आती है मैं सोचा चलो आज थोड़ा सा व्लॉग ही कर लूँ वॉक का ही थोड़ा सा क्लिप श्लिप बीच में डाल दूँ क्योंकि इंसान जो करता है ना ज़ाहिर सी बात है मेरी फैमिली को शेयर श्योर करना चाहिए और ये भी मेरे साथ बैठी है इसका तो इतना बड़ा मुंह बना हुआ है ना अपने मोबाइल की वजह से अभी इससे भी बातचीत करते हैं। बाकी मेरी माएँ बहनें अपने घरों में ठीक हैं आबाद हैं खुश हैं तो चले जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको मामा से भी मिलवाती हूँ बाकी सबसे भी मिलवा देती हूँ और भूख इतनी ज़ोर की लगी है ऊपर से इतनी तेज़ धूप आ गई है मैं तो कह रही हूँ चलते हैं घर लेकिन अम्मी मेरी कोई बात मानने को ही तैयार नहीं है। कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियोज़ का लाइक करें आगे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़े मज़े के कमेंट्स करें मुझे। तो चलें जी अब अम्मी का तड़ला वास्ता डालते हैं कि चलते हैं घर क्योंकि धूप आखिर मुझे लग रही है तो बाकी मामला फिर घर जाके शेयर करती हूँ। वैसे व्यू अच्छा है मलाई का इधर का आई तो आई क्या कह रही हूँ
मैंने बोला ईद पे आ जाना, पहले पढ़ाओ के बैठे को ले ले, मेरे दी बुआ आ रही। क्योंकि मैं ले लिया ना आंदे जथियां छपियां पा के आई सा। वैसे मेरे ना फायदे से बात करना तो बनता नहीं है, आज की तीसरा चौथा दिन है, बल्कि पांचवा दिन है शायद, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ना मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, ना मेरा बहन लोग, मैं रात को सो जाती हूँ 9 बजे, मोबाइल ना हो तो ज़िंदगी बंदे की ऐसी होती है, बहुत मनहूस हो रहा था। ये पांचवा दिन है मैं बगैर मोबाइल के रह रही हूँ, वो सही होने गया, कोई आंदा अज हो कोई कल, सही लारे पर लारा रखा हुआ मुझे, मेरा दिल कहता मैं तेरा मुँह तोड़ा, फायदा बोलती नहीं हूँ ना मेरा क्यों मुँह तोड़ना है, वो बस एक बाई चांस मिस्टेक होगी थोड़ी सी, और मुझे क्या पता था वो इतना लंबा पंगा पड़ जाएगा। वो कह रहे हैं अब लाहौर जाएं, इसका सॉफ्टवेयर करवाएं फिर मोबाइल चलेगा, और ये उस दिन की मेरे पीछे पड़ी है कि तुमने मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया, तुमने मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया, हद है वैसे। कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत आज ठीक हो के आ जाएगा, अगर आज ना आया फिर ईद के बाद ही तेरा मुँह भी चढ़ाऊंगी। हाँ मेरा मुँह तोड़ना है तुमने। रुको 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 रुको, क्या बात है, और रुको मुझे एक बात तो बताओ मूसा यार, आप इधर आके वॉक करने की बजाय आप इधर इसके अंदर ही बैठे हो, चलो बाहर आओ बाहर आओ, मैं नीचे ज़मीन बाहर आओ है, देखिए कितना डीठ है भाई, नहीं आ रहा, कह रहा है इसी के अंदर बैठूंगा आज, इसी के अंदर, कल इसे मैं लेके आई उठा के, मेरे तो 2 घंटे बाद में बाजू ही काम तेरे, और आज मैंने कहा चलो अपनी आसानी करती हूँ, इसे मैं इसमें डाल के ले आती हूँ, लेकिन ये तो यहाँ शायद नीचे नहीं उतर रहा, पता नहीं अभी ये क्या लड़का है। मोहम्मद बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, हुई नहीं अभी आपकी वॉक, हो गई है, इतनी धूप चढ़ गई है, चलें फिर चलो चलो। देखें जी अम्मी आए थे वॉक शॉक करने, तो मैं कल भी अम्मी के साथ आई, आज भी अम्मी के साथ ही आ गई हूँ, और अब धूप इतनी चढ़ गई है, अम्मी वापस ही नहीं जा रही है, 7 बजे से पहले और हाथ नहीं कोई पानी पी लिया, तुम्हें प्यास लग भी गई है, हैं आज थोड़ी लगी। हाँ ये हमारे साथ मलाइका भी आज आई हुई है, और मामा आएंगे और महानूर आई है। अम्मी वॉक करन दा की फायदा, मोटे तो तुसी है नहीं, वॉक करन दा ये फायदा कहंदे ने कि शुगर ना कैमरे जो पीछे हो वो आंदे ने, वॉक करन दा ये फायदा वे कि शुगर वाले बंदे नु लाजमी वॉक करनी चाहिए, एक जिगर एक शुगर एक दिल दी मसला जिन्नू होवे ना ओनु घंटे डेढ़ दी वॉक जरूरी है हर रोज। मोहम्मद आपका दिल किया इधर से बाहर निकलने का, हैं इधर देखो मेरी तरफ, पाओ को क्या लग गया, किसी बात का जवाब देने का कोई रवादार नहीं है आज मुझे। भाग 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 आगे चल आगे आगे आगे, अरे माशाल्लाह मोहम्मद सदके, इधर देखो इधर तो नहीं है अभी, मैं आगे चलो और आगे चलो। चलें जी फाइनली इतना कहने के बाद अम्मी तो मान गई हैं घर जाने के लिए, तो चलते हैं आप घर, घर जाके आपसे मिलते हैं रास्ते में। मेरा दिल है आज ना नान और चनों का नाश्ता करने का, तो रात को वैसे चिकन बनाया था, देखते हैं कोई जुगाड़ लगता है या चिकन के साथ ही फिर खाना पड़ेगा, अभी यहाँ से बाहर निकलती हूँ फिर देखती हूँ, तो चलो मैं आपसे फिर अब घर जा के मिलती हूँ, काफ़ी थक गई हूँ, एक तो इतनी मट्टी है सारे पैर में कट्टो कट्टी हो गए हैं। A few moments later. हाँ जी, तो घर में आ गई थी, घर आते आते टांगे भी इतनी मेरी दर्द कर रही हैं, ऊपर से पसीना इतना आया हुआ है, लेकिन मुझे भूख भी इतनी जोर की लगी हुई थी, भूख टाइम सब्र नहीं होता, मैंने कहा पहले मैं खाना ही खाऊंगी उसके बाद ही शावर शिवर लूंगी, बाद में देखा जाएगा। तो खाने में मैंने आपको बताया था ना रास्ते में क्या लेना है, तो ये देखें रात को चिकन बनाया वो भी गर्म कर लिया, ये साथ चने और ये साथ नान, ये रात को मंगवाए थे, रात को मंगवाए थे, ये बच गए, इन्हें ऑयल लगा के अभी यही नाश्ता करेंगे, इतना मज़ा आने वाला है, और ये साथ स्पेशल लस्सी, और इस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है, ये हमारा केक इसके बाद में खाएंगे। अच्छा जी, तो चले इतने अच्छे से खाने को कैसे वेट करवाया जा सकता है, चलें जी खाते हैं फिर, तो खाना शाना खा के मैं फिर आपसे मिलती हूँ, चलो मैं आपको चने टेस्ट करके बता देती हूँ कि कैसे बने हैं। ये बाइट ले ली, इसमें करते हैं इन्हें डिप, और अब खाते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।